डियर फ्रेंड्स, हम अपना हिंदी में रिवीजन प्रारंभ करते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं, आज हमने कुछ प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन की बात की है। तो प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन वापस करना इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूं और इसके वीडियो भी आपको मैं दे दूंगा। लेकिन हम उस चीज पर डिस्कशन कर लेते हैं जो हमने आज डिस्कस की है। तो हमने आज इस बात के ऊपर डिस्कशन किया है कि अगर हमारे शरीर को हमारी शरीर में या तो प्रॉब्लम अपर पार्ट में होती है या मिडिल पार्ट में होती है, लोअर पार्ट में होती है, तो बॉडी को हम तीन भागों में डिवाइड करके और उन भागों में कपिंग करके हम संपूर्ण शरीर की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। वही हमने आज डेमोंस्ट्रेशन दिया था। तो यहां पर देखिए, तो आज के डेमो के अनुसार हमने बात की है कि हमारे शरीर के जब अब ऊपर के भाग में कहीं प्रॉब्लम होती है तो हम कपिंग को ऊपर के भाग में कर देते हैं, मिडिल भाग में प्रॉब्लम होती है तो कपिंग को मिडिल पार्ट में कर देते हैं, तो स्पाइन को हम तीन पार्ट में से बांट देते हैं। तो यहां पर कप लगा देते हैं अपर पार्ट के लिए, ये अपर पार्ट के लिए। और ये मिडिल पार्ट में कप लगा देते हैं, यहां पर मिडिल पार्ट के लिए कप लगा देते हैं। और यहां पर कब हम लगाते हैं लोअर पार्ट के लिए। लोअर पार्ट का मतलब है कि हमारे शरीर के लोअर पार्ट में होने वाली कोई भी प्रॉब्लम। तो अब मान लो एक पेशेंट है जो अस्थमा का पेशेंट है, जिससे लंग की प्रॉब्लम है, तो हम अपर पार्ट में कपिंग लगाकर ट्रीटमेंट करते हैं, जिसका हमने आज डेमो दिया था। आप सभी लोगों को वीडियो देखने को मिल जाएगा उसका। और अपर पार्ट में तो हार्ट भी आता है। तो मान लो किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो हमने आज समझा था कि अगर हार्ट की प्रॉब्लम किसी को है तो हम कहां पर ट्रीटमेंट करेंगे, तो हमें इस बोन पर फोकस करना होगा। हमारी ये बोन है, इस बोन का नाम स्कैपुला बोन है, ये स्कैपुला बोन। तो स्कैपुला बोन के पूरे बॉर्डर पर ऊपर से नीचे तक हम फोकस करेंगे। तो स्कैपुला बोन के ऊपर के बॉर्डर को हम ट्रीट करेंगे और हम बाजू के बॉर्डर को ट्रीट करेंगे और इसके लोअर बॉर्डर को हम ट्रीट करते हुए ये साइड में चले जाएंगे। तो इस पूरे बॉर्डर को जब हम ट्रीट करते हैं और यहां पर जब हम कप लगा देते हैं, मसाज करके जब हम कप लगा देते हैं, तो इस ऐसा करने से हमारे हार्ट की प्रॉब्लम तुरंत चली जाती है, स्पेशली जब हम ये लेफ्ट साइड में करते हैं। तो जब लेफ्ट साइड में करते हैं तो हार्ट की प्रॉब्लम तुरंत डिसअपीयर हो जाती है। और जब कोई व्यक्ति हार्ट का पेशेंट होता है और यहां पर दबाएं तो दर्द भी गजब का मिलता है। आप हार्ट के पेशेंट को राइट साइड में दबाओगे तो कोई दर्द नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप लेफ्ट साइड में दबाओगे तो उसे काफी दर्द मिलेगा। और यहां पर कैसे मसाज देनी, कैसे कपिंग करनी है, ये हमने सब सीखा है। तो इसी तरह से हमारे अलग अलग शरीर के प्रॉब्लम्स के अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। और जहां पर हमारा स्कैपुला बोन खत्म हो जाती है, और उसी बिंदु से जहां पर हमारी स्कैपुला बोन खत्म, वहां से लेकर रिब्स तक का भाग, ये भाग हमारे मिडिल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। और जब हम इस भाग को कपिंग करते हैं, इस भाग को हम जब कपिंग करते हैं तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, पाचन की विकृतियां ठीक हो जाती है, क्योंकि मिडिल पार्ट हमारे डाइजेशन से कनेक्टेड है। और इसी तरह से जब हम लोअर पार्ट पर ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारे घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, पैरों की सूजन आदि में लाभ होता है। तो ये हमने सब कपिंग आज देखा। तो कपिंग में हर जगह के अलग अलग पॉइंट होते हैं। कप कई प्रकार के होते हैं, तो हमने समझा है कि सिलिकॉन के कप होते हैं और रबर के कप भी होते हैं। तो इन कपों को कहीं भी चिपकाया जा सकता है, किसी भी पार्ट में इनको लगाया जा सकता है और ये बड़े गजब का इफेक्ट पैदा करते हैं। आप जब भी कप को कहीं भी लगाते हैं, जैसे उदाहरण की किसी ने कहा कि उसे यहां दर्द है या मसल्स में पेन हो सके, आपने कप लिया और लगा दिया, देखिए कितना स्ट्रॉन्ग पुलिंग इफेक्ट करता है। लेकिन सबसे बड़ी गजब की बात है कि बड़ा स्मूथ फीलिंग देता है। अब किसी को ज्यादा प्रेशर लग रहा है, थोड़ी हवा निकाल दी और मतलब कम सक्शन आपने रखा, तो इसे इसमें हम सक्शन कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये जो कप हम कहीं भी लगा सकते हैं और लगा के छोड़ सकते हैं,
कहीं भी जहां पर दर्द है वहां इन्हें लगा के छोड़ा जा सकता है। और दूसरा पॉइंट्स पर हम लगाते हैं, क्योंकि जैसे घुटने पर कपिंग करो तो सिर का दर्द ठीक हो जाता है, ऐसे हमारे शरीर के अलग अलग पॉइंट्स पर हम कपिंग करके दर्द को ठीक कर सकते हैं। तो जब भी हम कप को किसी भी पार्ट में लगाते हैं और लगा के छोड़ देते हैं तो थोड़ी देर में आप देखोगे कि आपका वो पार्ट थोड़ा सा रेड हो जाता है। रेड क्यों होता है? जैसे ये देखिए, ये पार्ट रेड हो गया क्योंकि यहां पर ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है और यहां पर बहुत सारी हमारी छोटी छोटी पतली पतली ऊर्जा को लेने वाली वेसल्स होती हैं जिन्हें हम लियो वेसल कहते हैं, उनके ब्लॉकेजेस निकल जाते हैं। तो इस तरह के कप का प्रयोग करते हैं, रबड़ के कप का प्रयोग करते हैं, रबड़ के कप भी कहीं भी आराम से चिपक जाते हैं, इनका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। सिलिकॉन के कप का प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी कप का। तो पीठ में हम कप लगाते हैं, पैरों में लगाते हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट में हम कप का प्रयोग करते हैं और इनके माध्यम से हम भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। हमने मॉक्सिवेशन का डिस्कशन किया आज कि मॉक्सा को हम सिगरेट की तरह जलाते हैं और फिर जलाकर हम इसे हम सिगरेट की तरह जलाते हैं। मोक्षा को हम जलाते और मोक्षा को जलाकर फिर हम पॉइंट की सिकाई करते हैं, पॉइंट को हीट देते हैं। उदाहरण के लिए हम इस पॉइंट की बात करें, इसे हम थर्ड आई कहते हैं। मैं इसको एक्यूप्रेशर दूं, इस माध्यम से भी इस पॉइंट को मैं स्टिमुलेट कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं इसको मॉक्सा करता हूं तो भी मैं स्टिमुलेट कर सकता हूं। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर यह है कि जब मैं किसी भी पॉइंट को मॉक्सा से स्टिमुलेट करता हूं, ये जल गया, तो स्टिमुलेशन 100 गुना तीव्र गति से होता है, 100 टाइम्स फास्टर। जब मैं अपनी थर्ड आई पर ऐसे केवल 1 मिनट करूं, मोक्षा थर्ड आई से 1 इंच दूर है, 1 मिनट करूंगा और मैं मुझे एकदम से लंग्स खुल जाएंगे, लंग्स ओपन हो जाएंगे, दिमाग का कफ निकल जाएगा और ऐसा लगेगा कि पूरे लाइटनेस आ गई इस पार्ट में। तो इसे कहते हैं कि अस्थमा का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन और अवेयरनेस बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसे कहते हैं थर्ड आई। अगर कोई व्यक्ति थर्ड आई पर मोक्षा करता है तो सर्दी कफ ठीक हो जाता है उसका। तो इस तरह से हमने आज समझा कि हमारे शरीर के 3 पॉइंट हैं, जब उन 3 पॉइंट पर मोक्षा हमारे शरीर के 3 पॉइंट्स, जब आप 3 पॉइंट्स को मोक्षा करते हो तो वो 3 पॉइंट क्या करते हैं कि आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, आपके डिफेंस को मजबूत बना देते हैं। तो मोक्षा हम करते हैं अपने यांग को बढ़ाने के लिए और यांग का काम है हमें सुरक्षा देना, प्रोटेक्शन देना, हमारे तरफ सुरक्षा का आवरण तैयार करना, ये यांग का काम है। जैसे ये व्यक्ति है, इसके चारों तरफ जो आवरण बना है ये यांग के द्वारा बना हुआ है, तो यांग हमें सील्ड करता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है तो इम्यूनिटी कमजोर होने का मतलब है कि ये देखो छोटा बच्चा हो गया, ये इससे लड़ना, ये अटैकर है, ये बैक्टीरिया है, वायरस है। अब मान लो कोविड का आक्रमण हुआ, कोविड का वायरस तो इतना बड़ा, लेकिन आपकी इम्यूनिटी इतनी छोटी तो आप लड़ नहीं पाओगे, तो इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना है? कोई बात नहीं है, CB6 पर मोक्षा करो, CB12 पर मोक्षा करो, Stomach 36 पर मोक्षा करो, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और आप भी सामने वाले के जैसे स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। तो इसके लिए मोक्षा करते हैं,
और हम 1 से 1.5 इंच दूर से हीट को देते हैं। मॉक्सा के अंदर एक जड़ी बूटी पाई जाती है, ये घास होती है, इस घास का नाम है आर्टिमिसिया बल्गेरिस। इसे सुखाकर और फिर इसे मॉक्सा स्टिक में भरा जाता है। ऐसे मॉक्सा स्टैंड भी आते हैं जिनमें हम मॉक्सा को रखकर 10 से 15 मिनट तक भी मॉक्सा कर सकते हैं, लंबे समय तक मॉक्सा कर सकते हैं। हम चक्रास पर भी मॉक्सा करके अपने चक्रा की एनर्जी को बढ़ाते हैं। तो उन 3 पॉइंट्स की हम बात करते हैं जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले हैं। पहला पॉइंट है CV6, हमारे नाभि से अगर हम 2 अंगुल नीचे चले जाए, अगर नाभि से हम 2 अंगुल नीचे जाते हैं, ये 1 अंगुल और ये 2 अंगुल, 2 अंगुल को कहते हैं 1.5 चुल। अगर नाभि से हम 1.5 चुल नीचे जाते हैं तो हमें मिलता है CV6, और नाभि से ही अगर हम 4 चुन ऊपर जाते हैं तो हमें मिलता है CV12। इन दोनों पर मोक्ष किया जाता है। और चुन क्या होता है, कलम समझ चुके हैं, 1 अंगूठे की चौड़ाई को 1 चुन कहते हैं, लगभग 1 इंच के बराबर होता है एडल्ट्स में। तो नाभि से लगभग आप 4 इंच ऊपर जाओगे तो CV12 मिल जाएगा, और नाभि से लगभग 1.5 इंच नीचे जाओगे तो CV6 मिल जाएगा। इन दोनों को मोक्षा करते हैं। और अगला मोक्षा होता है स्टमक 36 पर, ये घुटना है। घुटने की आंख से आप अगर 3 चुन नीचे आते हो, 3 चुन नीचे आते हो, तो आपको स्टमक 36 मिल जाता है। अगर आपने 3 पॉइंट पर मोक्षा कर दिया तो आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्गर हो जाती है। हम इन पॉइंट पर मोक्षा करते समय हम ये इक्विपमेंट की मदद से भी कर सकते हैं। जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं, स्टमक 36 पर मोक्षा स्टैंड लगा दिया गया। इसे 15 मिनट तक के लिए भी लगा के छोड़ा जा सकता है। और ये अगले इमेज में आप देख सकते हैं, ये अगले पॉइंट पर मोक्षा लगा हुआ है। ऐसे अलग अलग जगह मोक्षा लगाया जा सकता है और लंबे समय तक मोक्षा किया जा सकता है। अगर आपने CV6, CV12 और स्टमक 36 पर मोक्षा कर दिया, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्गर हो जाता है, फिर आपकी आपकी एनर्जी लिफ्ट हो जाती है। कोई व्यक्ति बहुत थकान कमजोरी महसूस करता है, आप इन 3 पॉइंट पर मोक्षा कर दो। तो बस आज हमने इतनी बात की है, इतना समझा है। तो कपिंग को निकालते समय हम कपिंग को जब लगाते हैं, कपिंग सेट को ऐसे लगा देते हैं, और जब निकालना है तो इसकी हवा को ऐसे निकाल के निकाल देते हैं, इसकी पीछे से हवा निकल जाती है। लेकिन डायरेक्ट भी निकाल देते हैं, अगर कप हल्के से ही लगा हुआ है तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। अब हम हमारी क्लास होगी कल, अब कल से हमारी क्लास होगी हमारे इनरोल पार्टिसिपेंट्स के लिए। आज का वीडियो भी आप सभी को मिल जाएगा। आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं, अब बाकी का डिस्कशन हम कल से प्रारंभ करेंगे। आपके जो भी प्रश्न है वो भी हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, हैव ए नाइस डे।